अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जिन एप्लीकेशन से आप लोन लेते हैं और उनके पास आपका डेटा होता है, शिनाख्ती कार्ड की फोटो कापीज या कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास होती है या गैलरी या पिक्चर्स उनके पास होती हैं, तो क्या आप वो डिलीट करवा सकते हैं। अगर आपने अपना जो लोन लिया था वो जमा भी करवा लिया है, पैड भी करवा लिया है, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मेरा जो डेटा है उनसे डिलीट हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, और काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है नीचे कमेंट्स में लिख देते हैं कि यार हमसे रब्ता करो, हम आपका जो है जो भी डेटा होगा डिलीट करवा देंगे, आपके इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उन लोगों के चक्कर में आपने नहीं आना जो आपको ये बताते हैं कि आपके अकाउंट डिलीट करवाने के इतने पैसे लगेंगे और इतने पैसों में आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ये बिल्कुल एक तरह का फ्रॉड है और झूठ है, इनसे बचिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि आप उनसे अगर अपना अकाउंट डिलीट करवा भी सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, अगर कर भी लिया जाए तो उसके बावजूद भी आपका जो डेटा है उनके पास रहेगा, वो डिलीट नहीं होता। क्योंकि ये लोन एप्लीकेशन वालों से मेरी अक्सर बात होती रहती है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैं जो है ना मसले या कमेंट्स वो पढ़ के उनके हल करा देता हूँ। तो आपसे भी ये मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बता दें। तो दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट उधर से डिलीट करवा भी लें, अपना न्यू नंबर से बना लें, मगर ये जो आपका नंबर होगा, आपकी शिनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी होगी और आपके जो कॉन्टैक्ट होंगे और आपकी जो गैलरी होगी उनके पास रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ ये बात अलग है कि आपको वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आपका डेटा लीक नहीं करेंगे, अगर आपने लोन जमा करवा लिया है तो उसके बाद आपको कोई तंग नहीं करेगा, मगर ये है कि आपका डेटा उनके पास रहेगा। मज़ीद अगर कोई और सवाल जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बता दें, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। मिलते हैं फिर इस तरह एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।